आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी M35 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन से कॉल नहीं लग रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोबाइल फोन को आपको एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है ये वाला, इसे ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ये ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे टैप करना है। अब इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज पर टैप करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा ये आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन की ना APN सेटिंग रीसेट करनी है। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको कनेक्शन का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है एक्सेस पॉइंट नेम, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर ये 3 डॉट का ऑप्शन टैप करना है, आपका पेज आता है। इसमें रीसेट टू डिफॉल्ट पे टैप करना है, तो आपका नीचे पेज आता है रीसेट APN सेटिंग का। इसमें रीसेट पे टैप करना है, आपको नीचे लिखा आ जाता है APN सेटिंग रीसेट टू डिफॉल्ट। इस तरीके से आपको एक बार APN सेटिंग रीसेट करनी है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहां पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहां पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो इसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, ठीक है। रीसेट आप लिखेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिलता है फैक्ट्री डेटा रीसेट, इस ऑप्शन को टैप करना है। इसके अगले पेज में फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे ना, तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन का जो भी डेटा है ना उसका बैकअप ले लीजिए अपने मोबाइल फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है, ठीक है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।